तो ये रहा फ्रेंड मेरा आज का पहला क्वेश्चन। तो चलिए आप लोग जल्दी से इसको ट्राई कीजिए और बताइए इसका आंसर क्या होगा। और अभी हम लोग साइंस के क्वेश्चन को यहाँ पर आपका देखेंगे, आपके DRDO MTS एग्ज़ाम के लिए या फिर किसी भी आप एग्ज़ाम की तैयारी करो जिसमें साइंस का सेक्शन होगा, वो सारे एग्ज़ाम के लिए आपका ये बेनिफिशियल होने वाला है, ठीक है। तो चलिए ये वीडियो केवल आप लोगों को रिविज़न के तौर पर लेना है और देखना है कि आप यहाँ पर इस वक्त कितने क्वेश्चन का आंसर सही कर पाते हो, ठीक है। तो टोटल मैं अभी आपको 25 क्वेश्चन दिखाऊंगा, आपको देखना है केवल कि आपके यहाँ पर कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं, ठीक है। लास्ट में चाहो तो आप लोग अपना मार्क्स भी मुझे शेयर कर सकते हो कमेंट के थ्रू, जिससे मुझे पता चलेगा कि आपके कितने मार्क्स बढ़ रहे हैं, ठीक है। चलिए पहला क्वेश्चन आपके सामने है और सारे क्वेश्चन को आप लोग अपने हिसाब से वीडियो को पॉज फॉरवर्ड करके सारे क्वेश्चन को देख सकते हैं, ठीक है। पहला क्वेश्चन आपसे क्या पूछा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द सिंबल ऑफ रिजिडिटी मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, यानी निम्न में से कौन लोच का कठोरता मापांक का प्रतीक है, बताओ। तो सबसे पहले मॉडुलस होता क्या है, तो आप लोगों ने पढ़ा होगा मॉडुलस होता क्या है, स्ट्रेस बाय स्ट्रेन, ठीक है। तो यहां पर आपसे क्या पूछा, रिजिडिटी मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी का सिंबल पूछ रहा है, तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर थर्ड जी आपका होता है क्या सिंबल, किसका, रिजिडिटी मॉडुलस का होता है। टोटल आपके तीन मॉडुलस आपको देखने मिलेंगे, एक तो आपका यंग मॉडुलस होता है जिसको हम लोग वाई से डिनोट करते हैं, दूसरा आपका बल्क मॉडुलस होता है जिसको हम लोग के से डिनोट करते हैं, और तीसरा आपका रिजिडिटी मॉडुलस होता है जिसको हम लोग जी से डिनोट करते हैं, क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन है कंडेला इज अ यूनिट ऑफ, तो कंडेला किसकी इकाई है। तो चलो ये क्वेश्चन किसी से भी गलत नहीं होना चाहिए, कंडेला किसकी है, ऐसा यूनिट है, तो ल्यूमिनस इंटेंसिटी करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द मोमेंटम ऑफ अ बॉय ऑफ मास 50 kg व्हेन ही वॉक विथ अ यूनिफॉर्म वेलोसिटी ऑफ 4 m/s, यानी जब वह 4 m/s के समान वेग के साथ चलता है तो 50 kg भार के लड़के की गति क्या होती है। तो यहाँ पर मैं बोलूँगा हल्का से क्वेश्चन में थोड़ा सा गलती हो गया प्रिंट करने में, ये क्वेश्चन है यहाँ पर आपका 50 ना होके ये 30 होगा, ठीक है। अब आप लोग इसको बनाओ, तो यहाँ पर आपसे क्या पूछा है, आपसे पूछा है मोमेंटम, तो मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ मोमेंटम का फॉर्मूला क्या होता है, पी इक्वल टू एम वी, और पी से हम लोग डिनोट करते हैं मोमेंटम को। तो यहाँ पर आपसे आपको मास दे रखा है कितना, 30 kg, वेलोसिटी कितना दे रखा है 4 m/s, तो आंसर क्या हो जाएगा, 120 kg/s, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड, क्लियर। और देखो डायरेक्ट डायरेक्ट आपसे यहाँ से न्यूमेरिकल आपसे पूछे जाते हैं एग्जाम में, तो ये सब फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए। चलिए नेक्स्ट वन है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट टाइप ऑफ फ्रैक्शन, तो यहाँ पर देखो यहाँ पर भी थोड़ा सा गलती हो गया, ये नॉट को हटा दो, क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ फ्रिक्शन, यानी निम्न में से कौन सा घर्षण का प्रकार है, ठीक है, घर्षण का प्रकार है आपसे ये पूछा है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द टाइप ऑफ फ्रिक्शन, तो बताओ। तो घर्षण के 4 प्रकार के होते हैं, एक आपका रोलिंग फ्रिक्शन होता है, स्टैटिक फ्रिक्शन होता है, फ्लूड फ्रिक्शन होता है, और एक आपका स्लाइडिंग फ्रिक्शन भी होता है, यानी यहाँ पर इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, ऑल ऑफ द अबव, यानी उपरोक्त सभी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है द रेजिस्टेंस ऑफ वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स, यानी एक तार का प्रतिरोध इसके सीधे अनुपातिक है, बताओ। तो होता क्या है, आर इक्वल टू रो एल बाई ए, ये हम लोग जानते हैं, ये मैं आपको पहले भी बहुत बार बताया हूँ साइंस के वीडियो में। यहाँ पर रेजिस्टेंस ऑफ वायर आप देख लो किसका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, यानी करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सेकंड लंबाई। आपसे पूछा जाता है कि इन्वर्सली प्रोपोर्शनल किसका होता है, तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन का इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है, तो ये याद रखिएगा, रेजिस्टेंस ऑफ वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन है विच टिश्यू इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रांसपोर्टिंग फूड मेड इन लीव टू अदर पार्ट ऑफ द प्लांट, यानी पौधों के अन्य भागों में पत्तियों में बने भोजन का परिवहन के लिए कौन सा ऊतक जिम्मेदार है, बताओ। तो यहां पर आपसे पूछा ट्रांसपोर्टिंग फूड, तो ये कौन ट्रांसपोर्ट करता है फूड, तो फ्लोएम करता है, फ्लोएम टिश्यू आपका क्या करता है, फूड ट्रांसपोर्ट करता है। यहाँ पर आपका जाइलम टिश्यू क्या ट्रांसपोर्ट करता है, तो ये वाटर और मिनरल आपका ट्रांसपोर्ट करता है। यहाँ पर एक है आपका स्केलन काइमा, तो ये सब इंपॉर्टेंट है, स्केलन काइमा का काम क्या है, तो ये आपका एक परमानेंट टिश्यू होता है जो कि आपके प्लांट को हार्ड बनाता है, ठीक है, प्लांट को आपका स्ट्रांग बनाता है या फिर हार्ड बनाता है। और पैरन काइमा का क्या काम है, तो ये आपका प्लांट को स्ट्रेंथ देता है, यानी आपका प्लांट को सपोर्ट करता है और आपका फूड को भी स्टोर करता है, ठीक है, तो ये सभी आपको पता होना चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका स्पॉन्ज इज एन, यानी स्पॉन्ज एक क्या है ये बताओ। तो स्पॉन्ज आपका एक टाइप का क्या है,
तो ये आपका एक टाइप का एनिमल है, यानी करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड, ये आपका एक मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है। नेक्स्ट वन, नेक्स्ट क्वेश्चन है विच अमॉन्ग द फॉलोइंग मेम्ब्रेन कवर एंड प्रोटेक्ट द ब्रेन, तो निम्नलिखित में कौन सी झिल्ली मस्तिष्क को कवर करती है और उसकी रक्षा करती है बताओ। तो देखिएगा आपसे पूछा मस्तिष्क को कवर करती है और उसकी रक्षा करती है, तो कौन सा है आपका, तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका मेनिंजेस, ठीक है मेनिंजेस आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। ये जो है आपका ब्रेन का जो पार्ट है उसको कवर करती है और साथ में प्रोटेक्ट भी करती है, और साथ में स्पाइनल कोड को भी आपका प्रोटेक्ट करती है और कवर करती है इंजरी से आपको बचने को, मतलब बचाव करती है, क्लियर। और यहाँ पर आपको दिख रहा होगा रेनल, ये गुर्दा है, ये आपका जो किडनी है उसको आपका प्रोटेक्ट करती है और कवर करती है, और ये आपका प्लूरल, ये आपका लीवर को प्रोटेक्ट करती है और कवर करती है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन है द स्मॉल पॉक्स वैक्सीन इंट्रोड्यूस बाय, तो चेचक का टीका सबसे पहले किसके द्वारा शुरू किया गया था बताओ। तो ये सब क्वेश्चन किसी से भी गलत नहीं होना चाहिए, किसके द्वारा आपका ये इंट्रोड्यूस किया गया था, तो एडवर्ड जेनर के द्वारा आपका ये इंट्रोड्यूस किया गया था, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड, ठीक है। यहाँ पर एक ऑप्शन दिख रहा है अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, तो इसके द्वारा क्या खोजा गया था बताओ आप लोग मुझे, इसके द्वारा क्या खोजा गया था, तो इसके द्वारा पेनिसिलिन खोजा गया था, ठीक है। तो ये भी आपसे पूछा जाता है एग्जाम में, पेनिसिलिन का डिस्कवर किसने किया था, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने किया था, ठीक है। और ये मुझे जहाँ तक याद आ रहा एडवर्ड जेनर ने जो आपका स्मॉल पॉक्स वैक्सीन का जो डिस्कवर किया था वो कौन से वर्ष में किया था, तो 1756 में शायद मेरे ख्याल से किया था, ठीक है। तो आप लोग देख लेना एक बार, ये भी आपसे ईयर भी पूछा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑर्गन ग्लैंड सिंथेसाइज बाइल एसिड टू प्रमोट द डाइजेशन ऑफ फैट, यानी आपसे पूछा वसा के पाचन को बढ़ावा देने के लिए कौन सा अंग ग्रंथि पित्त एसिड को संश्लेषित करती है तो बताओ। तो कौन करती है, किसका काम है बाइल को सीक्रेट करना, तो ये लीवर का काम है, यानी करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड यकृत। नेक्स्ट वन, नेक्स्ट है टेस्ट रिसेप्टर सेल आर ऑल्सो नोन एज, तो स्वाद रिसेप्टर कोशिकाओं को किसके रूप में भी जाना जाता है बताओ। तो आपसे पूछा है यहाँ पर टेस्ट रिसेप्टर पूछा है, तो स्मेल रिसेप्टर भी आपसे एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है ये आपसे, तो यहाँ पर आपका टेस्ट रिसेप्टर सेल आर ऑल्सो नोन एज, तो क्या बोलते हैं उसको, तो यहाँ पर ऑप्शन में ही देख के पता चल जाएगा स्वाद कोशिकाएं, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा गुस्टटोरी सेल, ठीक है। और जो आपका स्मेल जो आपका होता है वो आपका कौन सा सेल होता है रिसेप्टर होता है, तो ऑल्फैक्ट्री रिसेप्टर होता है, ठीक है ऑल्फैक्ट्री रिसेप्टर बोलते हैं उसको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है द साइंटिफिक नेम ऑफ रेडिश इज, यानी मूली का वैज्ञानिक नाम आपसे पूछा है, साइंटिफिक नेम आपसे पूछा है मूली का, तो बताओ उसका आंसर क्या होगा। तो मूली का साइंटिफिक नेम क्या होता है आपका राफनस सीतावास होता है, करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट राफनस सेटिवस, क्लियर। और यहाँ पर आपको दिख रहा होगा सीटुलस वल्गरिस, ये किसका होता है, तो ये आपका वाटरमेलन का साइंटिफिक नेम होता है जिसको हम लोग बोलते हैं तरबूज, हाँ ठीक है तरबूज बोलते हैं। और ये अनानास का तो आप लोग जानते होंगे, ये पाइनएप्पल का होता है साइंटिफिक नेम, और ये तो इस्पानाकिया ओलेरिसिया, ठीक है ये आपका होता है स्पिनच का जिसको पालक बोलते हैं, ये इसका आपका साइंटिफिक नेम है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका द मेन फंक्शन ऑफ अ नेटवर्क ऑफ कैपिलरीज इज, यानी कोशिकाओं के नेटवर्क का मुख्य कार्य क्या है बताओ। तो मुख्य कार्य क्या है, तो ज्वाइनिंग आर्टरीज एंड वेनिस, यानी धामनियों और सिराओं में शामिल होना इसका मुख्य कार्य है, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज वन ऑफ द की एलिमेंट ऑफ एमिनो एसिड, तो निम्नलिखित में कौन एमिनो एसिड का प्रमुख तत्वों में से एक है, सुपर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बताओ। एमिनो एसिड का आपका मतलब पूछा निम्नलिखित में कौन एमिनो एसिड का प्रमुख तत्वों में से एक है, तो देखो अमीनो एसिड एक्चुअली में होता है क्या, बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ प्रोटीन हम लोग मानते हैं, यानी जो प्रोटीन का निर्माण करने में सबसे बड़ा हाथ उसी का होता है, सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट रोल होता है, तो वो उसका की एलिमेंट क्या कौन कौन से है, तो कार्बन हो जाते हैं, हाइड्रोजन हो जाते हैं, ऑक्सीजन हो जाते हैं, नाइट्रोजन हो जाते हैं, तो ये सारे क्या होता है आपका की एलिमेंट है अमीनो एसिड का, यानी करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट कार्बन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है विच हार्मोन इज अ नॉट रिलेटेड टू पिट्यूटरी ग्लैंड, तो आपसे पूछा है पिट्यूटरी ग्रंथि किस हार्मोन से संबंधित नहीं है बताओ, कौन सा आपका ग्रंथि से संबंधित नहीं है पिट्यूटरी ग्रंथि, तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी कैल्सीटोनिन हार्मोन आपका पिट्यूटरी ग्लैंड नहीं है, ठीक है रिलेटेड उससे नहीं रखता है। चलिए
नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग केमिकल गोल्ड डिजोल्व, निम्नलिखित में किस रसायन में सोना घुलता है? तो सोना किस में घुलता है बताओ। तो ये क्वेश्चन तो शायद मेरे ख्याल से किसी से गलत नहीं होना चाहिए। सोना किस में घुलता है? तो वन एंड ओनली एक्वा रिजा में आपका घुलता है। और ये भी आपका बताओ, चलो मुझे आप बताओ, एक्वा रिजा किसका मिक्सचर होता है? मैं आपसे अभी पूछ रहा हूँ कि एक्वा रिजा किसका आपका मिक्सचर होता है? तो ये आपका नाइट्रिक एसिड और आपका हाइड्रोक्लोरिक एसिड का मिक्सचर होता है। ये 1:3 में आपका डिजोल्व होता है, तब मतलब आपका मिक्सचर होता है, तभी जाके आपका इसमें कोई भी नोबल मेटल इसमें डिजोल्व हो पाता है, जैसे गोल्ड या फिर प्लेटिनम, तब जाके इसमें डिजोल्व होता है। क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपसे, व्हाट इज द मूवमेंट ऑफ सब्सटेंस फ्रॉम एन एरिया ऑफ हाई कंसेंट्रेशन टू एन एरिया ऑफ लो कंसेंट्रेशन कॉल्ड? तो उच्च सांद्रता वाले क्षेत्र से कम सांद्रता वाले क्षेत्र में किसी पदार्थ की गति को क्या कहा जाता है बताओ। तो देख लो, अब ये आपका हो गया ना थ्योरी टाइप का क्वेश्चन। मैं बताता हूँ कि देखो थ्योरी टाइप का क्वेश्चन अभी आप जितने भी मॉक टेस्ट पेपर में देखोगे तो आपको मिलेंगे ही मिलेंगे थ्योरी टाइप के क्वेश्चन। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? डिफ्यूजन व्यापन का, ये आपका मतलब आपका डेफिनेशन है, हाई कंसेंट्रेशन एरिया टू आपका लो कंसेंट्रेशन एरिया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, डैश एंड डैश आर टू द मोस्ट वेल नोन एसन फाइटनिंग इंग्रेडिएंट, यानी डैश और डैश सबसे प्रसिद्ध मुहासे से लड़ने वाली आवोवरियो में से दो है, तो बताओ। तो कौन कौन सा है आपका? तो एक आपका सलैलिक एसिड है और एक आपका बेंजोइल पेरोक्साइड है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर फर्स्ट। नेक्स्ट वन, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, व्हाट इज द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ ब्यूटीन, ये आपका थोड़ा सा इसको भी सुधार लेना, ये ब्यूटेन होगा, ठीक है, ब्यूटेन अल्केन ग्रुप का है ये ब्यूटेन, ठीक है। ब्यूटेन का आणविक सूत्र क्या है बताओ। तो ब्यूटेन का पूछा है, तो ब्यूटेन का आप जानते हो 4 पर होता है, तो यहाँ से करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सेकंड। अगर आपको हल्का से भी पता है तो मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, इसी तरीके से चलता है। और ये अल्केन ग्रुप का था, ठीक है। अगर ये इन रहता तो अल्किन ग्रुप में हो जाता है, तो अल्किन ग्रुप में चल रहा था तो क्या होता, C4 मतलब C4H8 हो जाता, ठीक है, जो कि आपका जनरल फॉर्मूला भी एग्जाम में आपसे पूछा जाता है। आपसे जनरल फॉर्मूला इस तरीके से पूछा जाता है कि अल्केन का जनरल फॉर्मूला होता है क्या, अल्केन का या फिर अल्कीन का या फिर अल्काइन का, तो क्या होता है, CnH2n+2, ये अल्केन का जनरल फॉर्मूला होता है। फिर अल्कीन का में क्या होता है, 2 कम हो जाता है, और अल्काइन में क्या होता है, -2 हो जाता है। क्लियर। तो ये सब आपको पता होना चाहिए कम से कम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मच टाइम इज नीडेड टू परफॉर्म 300 ऑफ वर्क एट द रेट ऑफ 15, यानी 15 के दर से 300 कार्य करने के लिए कितना समय चाहिए बताओ। तो सबसे पहले फॉर्मूला होता है क्या, पावर इज इक्वल टू वर्क डन बाय टाइम, ठीक है, जितने वर्क कर रहे हो जितने समय में, तो ये होता है पावर का फॉर्मूला। तो यहाँ पर आपसे क्या पूछा, टाइम पूछा, तो टी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, डब्ल्यू बाय पी। तो डब्ल्यू क्या दे रखा है, तो 15 आपको दे रखा है, ठीक है, वर्क, सॉरी डब्ल्यू तो क्या, तो वर्क होता है ना, तो जूल ना, तो 300 दे रखा है, और आपका पावर कितना है, 15 है, तो सॉल्व करोगे तो क्या होगा, 20 सेकंड, यानी करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड। तो ये सब छोटे छोटे फॉर्मूला आपको साइंस में पता होना चाहिए, यहीं से छोटे छोटे आपके न्यूमेरिकल बन जाते हैं, तो कुछ भी देखे कुछ भी पूछ सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन एड हाइड्रोजन इन द प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट सच एस, तो असंतृप्त हाइड्रोकार्बन उत्प्रेरक की उपस्थिति में हाइड्रोजन जोड़ते हैं जैसे कि डैश, तो बताओ कौन सा कैटलिस्ट होते हैं सच एस। तो आपको पता है निकल क्या होता है, एक कैटलिस्ट होता है। यहाँ पर अगर आपको थोड़ा सा कैटलिस्ट के बारे में अगर आपको आइडिया है तो आप बता सकते हो उसका आंसर। तो आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर थर्ड, निकल और प्लेडिमियम, करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड। कैटलिस्ट एक्चुअली में होता क्या है, कोई भी मान लो रिएक्शन है, ठीक है, कोई भी रिएक्शन है, जैसे कि आप मान लो कुछ का भी रिएक्शन हो, कैटलिस्ट का काम होता है क्या है कि वो रिएक्शन को आपका फास्ट कर देता है, ठीक है, उसका रेट को बढ़ा देता है, ठीक है। तो यहाँ पर जो अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है उसको कन्वर्ट कर देगा किसमें, सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन कार्बन में कन्वर्टेड कर देगा, ठीक है। तो कैटलिस्ट का केवल इतना ही काम होता है कि किसी भी रेट आपका रिएक्शन का रेट को बढ़ा देता है जिससे जल्दी हो जाए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, एल्युमिनियम मेटल आर असाइन विच ग्रुप इन द मॉडर्न पीरियडिक टेबल, तो एल्युमिनियम धातु आधुनिक आवर्त सरणी में किस समूह के दी गई है बताओ। प्रेडिक्टेबल से क्वेश्चन देखो फिक्स है, ये सब ऐसे ऐसे टॉपिक है, यहाँ से क्वेश्चन बनेंगे मतलब बनेंगे। तो आपसे पूछा एल्युमिनियम मेटल कौन से आपके ग्रुप में आते हैं, तो ये आपका कौन से ग्रुप में आते हैं, तो ये 13 ग्रुप में आते हैं, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड, ठीक है। और जैसे कि अगर आप प्रेडिक्टेबल अगर थोड़ा सा भी, मुझे लगता है कि अगर आप दो पीरियड तक भी
दो पीरियड तक का भी अगर आपके दिमाग में स्ट्रक्चर बना हुआ है प्रिडिक्टेबल का, तो मुझे लगता है कि आप सब कुछ मतलब बता सकते हो, मतलब आपको दिमाग में सब कुछ प्रिडिक्टेबल पूरा एकदम अच्छे से रहेगा। ठीक है, तो ये सब चीज़ आपको प्रिडिक्टेबल आपके दिमाग में पूरा अच्छा से स्ट्रक्चर बनना चाहिए कि कहीं से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, कि आपसे ऐसे ही पूछा जा सकता था कि एल्युमिनियम मेटल बताओ कि ये कौन से ग्रुप और कौन से पीरियड में आता है, तो ऐसे भी पूछा जा सकता है क्वेश्चन आपसे। तो मगर कब, जब आप जब आपके दिमाग में सब कुछ रहेगा स्टोर अच्छे तरीके से प्रिडिक्टेबल, तभी आप बता पाओगे। ठीक है, तो फिलहाल करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड। और 18 ग्रुप को हम लोग क्या बोलते हैं, नोबल गैस भी बोलते हैं। टोटल 7 पीरियड 18 ग्रुप होते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अल्फा लियोलेनिक एसिड इज अ, यानी अल्फा लियोलेनिक एसिड क्या है बताओ। तो ये आपका एक टाइप का फैटी एसिड होता है, तो इसेंशियल फैटी एसिड हो जाएगा। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, आवश्यक फैटी एसिड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपसे, व्हाई इज द आउटर मोस्ट पार्ट ऑफ अ फ्लेम द हॉटेस्ट, यानी आपसे पूछा है लौ का सबसे बाहरी हिस्सा सबसे गर्म क्यों होता है बताओ। आपसे रीजन पूछा है सबसे बाहरी हिस्सा क्यों गर्म होता है, क्योंकि कंप्लीट कंबस्टन पूरा दहन होता है इसलिए। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। क्लियर, क्योंकि जो उसका बाहर का पार्ट होता है तो वो ऑक्सीजन ज़्यादा आपका खींचता है, मतलब लेता है, जिसका कारण से वो आपका पूरा कंप्लीट कंबस्टन होता है और पूरा एकदम हॉटेस्ट हो जाता है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। और ये किस कलर का हो जाता है, किस ब्लू कलर का भी हो जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन उसके बाद आपका होमवर्क क्वेश्चन होने वाला फिलहाल। और आप लोगों को अभी बोलूंगा, अगर अभी तक आप लोगों ने मुझे ज्वाइन नहीं किया टेलीग्राम में तो जरूर से ज्वाइन करो, और आप लोग चाहो तो मुझे सोशल मीडिया में भी ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है, तो मैं सारा लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, आप लोग मुझे वहां से भी ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है, कोई भी क्वेश्चन हो आप वहां भी मुझसे पूछ सकते हो। चलिए ये मेरा आज का लास्ट क्वेश्चन जो कि आप लोगों के लिए होमवर्क क्वेश्चन, तो आप लोग बताओ इसका आंसर क्या होगा। क्वेश्चन है आपका, व्हाट इज द केमिकल नेम ऑफ विटामिन B6, B6 का विटामिन आपसे पूछा है, तो आप B6 यानी विटामिन B6 का केमिकल नेम बताओ, साथ में आप मुझे बताओ ये कैल्सीफेरोल या फिर पैरोडोक्साइन फिर या थायमीन, ये किसका किसका है, आप साथ में मुझे ये भी कमेंट करके जरूर बताना। ठीक है, चलिए यहाँ पास मैं वीडियो को वाइंड अप करता हूँ। उम्मीद करता हूँ फ्रेंड्स आपको आज का सेशन पसंद आया, पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके अपना सपोर्ट जरूर दिखाइएगा, और चैनल पहली दफा है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। ठीक है, तो मिलते हैं फ्रेंड किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।